वेट किया है मैम, देखिए। गिव मी योर नोटबुक। लीजिए मैम। थैंक यू। सो अभी हम लोग इंग्लिश कर रहे हैं, सो इंग्लिश में अभी आपको मैं दिखाती हूँ। सो अभी मैं आपको एक लेसन रीड कराऊंगी, तो अंशुल उसमें आपको रीड करना पड़ेगा। सो लेसन जो है वो एडजेक्टिव है, एंड एडजेक्टिव में क्या क्या होता है वो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी। सो आज का है जो लेसन चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर जो है वो है टू, एंड चैप्टर नंबर टू में क्या है एडजेक्टिव। सो अंजलि आप पहले मुझे आप बताइए एंड रिलेशन रीड करके बताइए कि ये क्या है। लीजिए। मैं वो गिर गई थी, अभी मैं रीड करती हूँ। Adjective is a word which tells us the quality of a noun or a pronoun. So it can be said the describing word. Gopal is a wise man. I have a blue pen. The flowers are beautiful. In these sentences, wise, red and beautiful tell us the quality of nouns. Ma'am, ho gaya. To bahut fast reader ho, aapne bahut acche se read bhi kiya. To ye kya Diwali jaise saja ke rakha hai? देखो जरा, ऐसा लग दिवाली वाली हो आज। अभी इनको क्या बताऊँ, टीचर्स डे का मतलब तो पता नहीं होगा। इट्स माई क्रिएशन कि ये सब फालतू में करके रखा है, सब बर्बादी है। रुक दो तो कितना हो गया है अब इसमें, ये क्या है ग्रामर, और उसमें ले चैप्टर 12 एडजेक्टिव तक हो गया है जो आपको रीड कराना है। एडजेक्टिव मतलब, चलो मैं खुद ही देख लेती हूँ पहले, फिर मैं देख लीजिए आप लोग। ये मैंने लिख लिया है और स्पेलिंग रॉन्ग है चैप्टर की। मैम CHA पहले यहाँ पे CHA होगा और आपने सीधे P बना दिया, तुम खुद ही ठीक कर लो। मुझे क्या ढूंढने लगी मैम, कुछ नहीं, वो आपका ये इसके गया था, फिर से कर लिया। मैं रीड करूँ, रीड कर रही हूँ। नोटबुक मैम, कौन सा एडजेक्टिव था मैम, अभी मैं रीड कर रही हूँ। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, सो इट कैन बी सेड द डिस्क्राइबिंग वर्ड। इज अ वाइज मैन, आई हैव अ ब्लू, पता नहीं क्या ये अंग्रेजी छाड़ती रहती। The flowers are beautiful. In this sentence, wise, red and beautiful tell us the quality of nouns. मैम लीजिए मैम। ठीक है, कल मैं आऊंगी अब, बाय। क्यों मैं सर दिमाग खाने लगती हूँ। जल्दी से बताओ कि आपको वर्ड टीचर का अच्छा लगा रोल या रिच टीचर का, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। एंड कैसा लगा आपको मेरा ये पूरा डेकोरेशन, एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक बात और अच्छी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सो टीचर जो भी होता है, पुअर हो या रिच हो, होता एक ही है वो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मैंने सेटअप कर दिया, मैं आपका हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा, तब तक मैं रेडी हो जाती।